ये अभी तो किसानों ने एक इनोवेशन के रूप में लगाया है कि नवाचार करके फसल लगा रहे हैं, तो एक बड़े पैमाने पर नहीं लगाया, पर ये मिलाकर अभी टोटल मिलाकर 2 या 3 हेक्टेयर में से ज़्यादा की खेती नहीं हो रही। बाकी किसान इसको बढ़ावा, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी फसल है शुरुआती, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो पोल, इसको सहारा देने का, क्योंकि ये कैक्टस की तरह पौधा होता है, सकुलेंट प्लांट है, तो इसमें जो सहारा देने के लिए पोल लगाए जाते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा रहती है, और तो वो शुरुआती 1-2 साल में उसकी कीमत निकल जाती है, फिर वो आसानी से किसानों को फ़ायदा हो रहा है और अच्छे रूप में लगा रहे हैं। यहाँ चौथरा मंडी में बेचने को आते हैं और एक प्रतिफल 80 से 100 रुपये का उनका बिकता है, एक फल की कीमत है। अभी सब किस तरह की डिमांड है किसानों के बीच, इस तरह की? ये क्या है कि इंदौर एक इकोनॉमिकल हब है और यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े रीच भी हैं जो इसको लेना पसंद करते हैं, बड़े बड़े मॉलों में भी बिक रहा है, और इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण इसकी डिमांड भी अच्छी है, ये लोगों को बिक रहा है, और अभी छोटी जगहों पे भी ये बिकने को जा रहा है और वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो एक अलग और एक अट्रैक्टिव एक नई चीज़ खाना पसंद करता है, और आदमी जब न्यूट्रिशन वैल्यू है तो और उसको अधिक खाना पसंद करता है, तो ये अभी साधारण रूप से तो नहीं बिक पा रहा है, बाकी ये बड़े पैमाने पर अब बिकना चालू होगा जब और अधिक खेती होगी तो। एक एक